जो विलियमसन का बॉल है, एक टिपिकल लेफ्ट आर्म स्पिनर जो बॉल चाहता है कि हो, वो वाला बॉल हुआ और उसकी बिल्कुल काफ़ी खुशी है। और जब मैं बैटिंग, मैंने टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता हूँ तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर है मेरी एज़ कम्पेयर टू जब मैं नंबर 7-8 पे आता हूँ। 7 पे आई थिंक फर्स्ट इनिंग जो होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट खेलती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड इनिंग। नो डाउट आई थिंक एक एक दो लैप्सेस हमसे हुए अर्ली ऑन जिसकी वजह से उनकी पार्टनरशिप लगी विलियमसन और कॉनवे की। एक कॉनवे का कैच अर्ली ऑन मेरे पहले ओवर में मैंने खुद ही मुझसे ड्रॉप हो गया और एक को विलियमसन का था कैच। तो अगर वो कैचेस हो जाते तो मे बी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती। बट स्टिल आई थिंक सेकेंड इनिंग हमने बॉलिंग अच्छी की, थोड़ी सी फील्डिंग की और अगर हम अच्छी करते तो हम उनको अर्ली ऑन इनिंग में उनकी जो अर्ली स्टेजेस थे इनिंग के उसमें रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। बट स्टिल हमने जो जो चीज़ हमने एंड में किया मिडल ऑफ द इनिंग जाके तो हमने फिर भी उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। बट आई थिंक वो खेले बहुत अच्छे हैं फिर सेकेंड इनिंग में, उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। अपने रोल को एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर एंड ऑलराउंडर किस तरह देख रहे हो इन अ वर्ल्ड कप ईयर, खास तौर पे इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप हो रहा है जहां पे स्पिन को असिस्टेंस मिलेगी काफी? काफ़ी वर्क कर रहा हूँ अपनी बॉलिंग पे भी, कोशिश कर रहा हूँ कि जो टीम की एक्सपेक्टेशंस है मुझ में, जो वो एक स्पिनर से वो डिमांड है टीम की, तो उन उनको सामने रखते हुए अपना वर्क भी करता हूँ जो भी नेट्स वगैरह में। और कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे टीम को ज़रूरत है जिस टाइप की बॉलिंग की, ब्रेक थ्रू की है, वो चीज़ करने की कोशिश करता हूँ। और जैसा आपने बोला है कि अभी वर्ल्ड कप तो खैर थोड़ा दूर है, बट ये है कि सीरीज़ बाय सीरीज़ अपने आप को जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि अडॉप्ट करूँ और एज ए ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए परफॉर्म करूँ, क्योंकि मेरी जो जो टीम की एक्सपेक्टेशंस और लोगों की भी वो एज ए ऑलराउंडर हैं। तो काफ़ी खुशी होती है जब बॉलिंग एज ए ऑलराउंडर अच्छा परफॉर्म करता हूँ। बट आज बॉलिंग की भी अच्छी रही है अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए हर चीज़ से, तो काफ़ी खुशी उस हिसाब से।